क्योंकि सब विकारी है। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। अच्छा गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। तो आगे बोलो। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी, दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर ना होगी। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। बाबा थैंक्स दीदी। तो ये ऐसे बाबा को दिल से फील करते हुए गाना। ओम ठीक है जी, शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मनाभव अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान, बाप कहते ओम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ मैं साकार में आता हूँ। जरूर तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने, कोई और समझा ही ना सके जो मैं समझाता हूँ। अगर निश्चय नहीं तो नहीं, तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। देखो अगर ये निश्चय नहीं है कि मैं जो समझाता हूँ वो कोई समझा भी सकता है, तो बाबा कहते सारी दुनिया में भटकना चाहिए और ढूंढना चाहिए और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, कोई और है। दुनिया में नेति नेति कह दिया, साइंस ने भी क्या क्या, एक थियरी है, आदि मध्य अंत का नॉलेज चाहिए। इवोल्यूशन थियरी केवल नहीं चलेगी अगर साइंस की भी बात है तो, मध्य का भी दो और फिर एवरी एस्पेक्ट का दो ना। वो तो खाली क्रिएशन का थोड़ा बहुत क्रिएचर्स का देंगे, बाकी फिर धर्म स्थापक हुआ, स्थापन हुए उसका फिर क्या, फिर अंत का क्या है। इसी तरह शास्त्रों के में भी शुरुआत का बता दिया, जलमय सृष्टि हुई फिर ऐसे ऐसे हुआ उसके बाद। अच्छा फिर अभी आज का क्या सॉल्यूशन है, आज का आंसर, आदि मध्य अंत तीनों का नॉलेज चाहिए। बाबा कहते और कोई है जो दे सकते हैं, परम पिता परमात्मा के बिगड़ सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके। पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी है उनों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके, ये सुनेंगे भी वह जो, ये ज्ञान भी वही सुनेंगे जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि एकज भूल, बाबा के बच्चे का नाम डाल दिए। भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए कि परम पिता शिव से आपका क्या संबंध है, उनको भगवान कहेंगे ना। अच्छा श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, फिगर बताते ना, ह्यूमन फिगर,
उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे, अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। देखो आज बाबा का क्या फोकस है, बच्चे अपने घर वालों को ज्ञान दो, अर्थात हमारे घर वाले कौन है? हमारे घर वाले जो देवी देवता धर्म के। अब उस वो कैसे पता चले ये देवी देवता धर्म का है? अब वही पूज्य से पुजारी बन गए, तो कोशिश कर पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। तो जो शिव के पुजारी है उनको भी समझाना पड़े, शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते, वह परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे। और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके, कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सर्व का सदगति दाता बाप एक ही है, वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते मुझे ज्ञान का सागर, चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। ये जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा ना, बीज के पास तो पूरे सृष्टि पूरे वृक्ष का ज्ञान होगा ना। तो बाबा कहते हैं ऑथोर, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ऑलमाइटी पावरफुल, ऑल पावरफुल। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अथॉरिटी क्या है? बाबा के बाबा को कह दिया ऑलमाइटी अथॉरिटी। अब ऑलमाइटी का अर्थ क्या हो गया? सर्वशक्तिवान, ठीक है, वो तो ठीक है। अथॉरिटी किस बात की? अब दुनिया में कहते हैं मालिक है, उसके पास सारी अथॉरिटी है, जब चाहे बरसात करे, जब चाहे बारिश ठंडी कर दे, जब चाहे ये करे, जब चाहे वो करे। अथॉरिटी किस बात की है? ज्ञान की। तो झाड़ का पत्ता पत्ता हिलाता है। हाँ, तो ये दुनिया में मानते हैं ना। वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि सबको जानते हैं, इन सबके सार को जानते हैं, ये अथॉरिटी है। तो ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बाबा को सर्वगुण क्यों नहीं कहते? सर्वशक्तिवान कहते, सर्वगुण नहीं कहते, सोचो इस पर, लास्ट में बताएं। क्योंकि वो निराकारी है बाबा, सोचना इस पर। तो बाबा कहते, बाबा को हमेशा ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑल वर्च्यूज नहीं कहते। हाँ, वो निराकारी है, नहीं है तो। सोचना, लास्ट की बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं, तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है, उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन हुआ, वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, सत्युग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था, भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है, और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पति दुनिया में आया होगा ना। अब कोई पर्पस है तो आएगा, और पर्पस के लिए तो पति, और ऐसे बहुत पावरफुल पर्पस
के लिए आएगा। तो पर्पस कब, पावन दुनिया में तो कोई पर्पस नहीं आने का, डॉक्टर क्यों आएगा, ऐसा डॉक्टर घर में क्यों आएगा, ऐसा डॉक्टर मतलब ऐसा डॉक्टर, नॉट ऐसा फ्रेंड। ऐसे फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड तो कभी भी आ सकता है, लेकिन ऐसा डॉक्टर कब आएगा। तो परमात्मा इस सृष्टि चक्र में कुछ पर्पस के लिए आएगा, और उस समय आएगा जब कोई भी और कोई कर नहीं सकता, तब आएगा ना वो। छोटे मोटे के लिए तो नहीं आएगा, पति दुनिया में आना है। तो बाबा कहते हैं शिव की पूजा भी होती है, तो जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। पुकारते भी सबे पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया। जो पावन स्वर्गवासी थे, अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिवा बने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार है, सत्युग में विकार थे ही नहीं। अब पतित है तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ, तभी तो बुलाया। सत्युग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे, अब तो है रावण राज्य, सब विकारी है। बाप कहते काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो, तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमोप्रधान बने हो, आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एजड थे, फिर सिल्वर एजड, फिर कॉपर, खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। कौन सी खाद पड़ती है आत्मा में, बाबा कहते खाद पड़ते पड़ते दे अभिमान की, हमें उतना आत्मा इम्प्योर बनती जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा ये अभ्यास चाहिए, और फिर शरीर के साथ फिर विकार आते जाए। हम सोचे शरीर का भान नहीं जाए, लेकिन विकार चले जाए। शरीर का मतलब वो कॉन्शियसनेस, वो नहीं पॉसिबल है। शुरुआत कहाँ से हुई पूरी, मैं शरीर हूं, विकारों की शुरुआत। इसलिए अंत भी कहाँ से होगा, इसी बात से होगा। तो बाबा कहते हैं कि फिर सिल्वर एजड, फिर कॉपर, और फिर खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए, और पक्का होता गया, और पक्का। अब तो मतलब मैं आत्मा हूं ये तो चला ही गया, मेरी आत्मा मतलब मैं तो पक्का शरीर हुई हूं, ये लास्ट स्टेज है। इतनी लास्ट स्टेज के समय बाबा, जैसे एकदम सीरियस केस है उसको आकर पूरा ठीक करना, मेहनत तो लगेगी ना। या तो थोड़ा बिगड़े तब आ जाता तो चला, पूरा बिगड़ जाए उसके बाद एकदम पूरा सुधारना, 100 साल तो लगेंगे कि नहीं इसलिए टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए हैं। सत्युग में है 8 जन्म, फिर त्रेता में 12, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते, आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूं। फिर रावण नरक बनाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है, वह है बेहद का बाप, फिर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार कोई कहा जाता है, उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है, एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं फिर ग्लानी भी करते हैं, एक तरफ कहते सर्वव्यापी
और फिर कहते पतित पावन आओ, विरोधाभ्यास है ना, सर्वव्यापी कह दिया, फिर आओ किसके लिए, कौन आएगा, है ही सब जगह, तो आने की जरूरत क्या। तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है वो, तो इसलिए इतने समय चल रहा है कि लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है ना, हमें क्या मैटर करता है, नहीं आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, कहीं से भी आए। नहीं तो अगर साइंटिफिक माइंड होता तो सोचे ना कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, चैलेंज करे, क्योंकि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो बाबा कहते हैं भारतवासी भूल गए हैं, वह है बेहद का बाप, बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों का नाम ही नहीं है, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी। अच्छा फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहे, बाप समझाते वह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इनों का राज्य कब था, स्वर्ग कहां से आया। अब तुम समझते हो कि बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। अब ये भी कितनी अच्छी बात, महाभारत लड़ाई, इसीलिए तो वो महाभारत लड़ाई है, महाभारत, भारत के ऊपर ही वो लड़ाई है, और उसके बाद गेट्स खुले स्वर्ग के। तो इसका मतलब वो बहुत हाईएस्ट लड़ाई है, कोई छोटी मोटी तो नहीं है। तो भारत की लड़ाई कह देते, महाभारत क्यों कहा, भारत में दो भाइयों के बीच में लड़ाई थी, तो फिर महाभारत क्यों कहा, पूछा किसी को, कौन आवे जो जो बनाया है सीरियल उसको पूछा महाभारत क्यों कहा, नहीं पूछा। भारत महान बनाने वाला शिव बाबा यहाँ आया है, महान बनाने वाला। अच्छा महाभारत कहा, वो लोग तो महाभारत का मीनिंग ये, भारत जब डाउन हो गया ना, बाबा कहते ना राइज एंड फॉल ऑफ भारत, तो भारत डाउन हो गया तब ये लड़ाई हुई, इसलिए रेफरेंस भारत का है, और तब सबसे बड़ी लड़ाई हुई, रेफरेंस भारत का है, भारत से कनेक्टेड है। अगर भारत ठीक होता बाकी जो भी कंट्रीज है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाबा कहते हैं भारतवासी भूल गए हैं, ब्राह्मणों के ऊपर शिव है, एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इन्होंने इनों का राज्य कब था। यह भी दिखाते कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब इसका भी क्या मीनिंग है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, क्लियर है सभी को, बोलो रमेश। प्योरिटी से विनाश तो ऑटोमेटिक हो गया, प्रज्वलित हुई है, प्रज्वलित मोटी एक्टिवेटेड था, विनाश वाला तो चल ही रहा था, तो इसलिए वो प्रज्वलित, विनाश की तैयारियां तो हो रही थी। बाबा क्या कहते बच्चे, मैं माया को कहूँ, माया तो रेडी है लेकिन बच्चे तैयार नहीं है, तो यहाँ बच्चे तैयार होते तो वहां फिर प्रज्वलित होती है, फिर वो एक्टिवेट हो जाता है बरोबर। अब वही पाठ चल रहा है, 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पति दुनिया विनाश हुई थी, गीता का ज्ञान जब सुनाते तो कहते तीन सेनाएं थी, यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए, गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए,
तीन सेनाएं है ना गीता का, आज बाबा महाभारत के ऊपर पूरा फोकस करा रहे हैं। तो तीन सेनाएं कौन कौन से हैं? यूरोपवासी, मुसल मिसाइल्स वाले और कौरव। तो ये साइंस जो स्वयं के विनाश के साधन प्रिपेयर कर रहे हैं वो यादव, और कौरव जो परमात्मा को सामने देखते हुए भी विपरीत बुद्धि है, छोड़ो ना क्या है ये, कोई अभी का टाइम थोड़ी है, तो विपरीत बुद्धि, और पांडव प्रीत बुद्धि जिन्होंने पहचान लिया। तो बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करते हो, तीन सेनाएं गायी हुई है ना गीता के पूरे 5000 वर्ष में, बाप समझाते ये तीन सेनाएं अभी भी है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है, सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की प्रीत बुद्धि है, जानते ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। तुम शिव बाबा को याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं, ये क्लियर है? पूछ रहे बाबा 21 जन्मों का वर्षा शिव बाबा देने आए हैं, क्लियर है ना? शिव बाबा कहते हैं तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, और सब धर्म है बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, अपने को कोई देवी देवता समझते ही नहीं है। शिव बाबा कहते तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। प्योरिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नई दुनिया के मालिक के। तो चाहे हम ज्ञान की कितनी भी बातें कर ले, ज्ञान को कितना भी अच्छा समझ ले, लेकिन अगर धारणा में पवित्रता नहीं आई है तो हमने स्टार्ट ही नहीं की, जर्नी नहीं स्टार्ट की, तो मतलब उच्च पद की जर्नी नहीं हुई है, बाकी पद तो मिलेगा ही। इसलिए बाबा कहते पवित्र दुनिया के मालिक, पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक। वो नहीं है, वो एलिजिबिलिटी चाहिए होता है ना किसके लिए, MBA में भाई मिनिमम 50% तो चाहिए एडमिशन के लिए, बाद में फिर वो अलग बात है, फिर तुम कितना अच्छा करो वो मेरिट है। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब तो दुनिया में शांति हो, मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वो तो एक ही बाप का काम है ना, पीस वर्ल्ड पीस के कितने कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मनुष्य तो है ही विकारी, पीस कैसे हो? वैसे पीस की डेफिनेशन भी कितनी टेम्पररी की हुई है, मालूम है ना यूनाइटेड नेशंस का पीस का डेफिनेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस का पीस का डेफिनेशन नो वॉर, वायलेंस नहीं, वो है पीस। तो उसमें मतलब पीस संकल्पों की वो शांति वो तो सोच ही नहीं सकते, नो वॉर। इसलिए पीस ट्रीटी का मतलब क्या हुआ, पीस ट्रीटी साइन कराते थे ना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की, तुमसे पीस है तो अभी हमारी और आपके से युद्ध नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि बाबा और जहां खाली वॉर नहीं है फिजिकल, कोल्ड वॉर चलता रहे वो पीस में नहीं आता है, वो पीस ट्रीटी में नहीं आता है, कोल्ड वॉर चल सकता है। तो बाबा कहते हैं वो शांति कैसे स्थापन करते, पीस स्थापन करना तो एक बाप का ही काम है, मनुष्य तो है ही विकारी, वो शांति कैसे स्थापन कर सकते, घर घर में ही झगड़ा है,
बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सत्युग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी फिर बाप व पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी है, स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ले लेते थे। अब पतित है इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद का वर्षा ले रहे। ये समझने की बातें हैं, ये कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है ना कि बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं? जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कभी बन नहीं सकेंगे। दूसरी पॉइंट, पहला था प्योरिटी की, इसके पहले अभी पवित्रता के ऊपर बाबा ने किस बात में बताया था, बोलो। ज्ञान कितना भी हो, पवित्रता की धारणा ना होगी तो वेरी गुड, और दूसरा ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कभी बन ही नहीं सकते। ब्राह्मण बने नहीं, डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ब्राह्मण तभी देवता बनेंगे, जो चार बेसिक डिसिप्लिन है हमारे, वह समझने की बातें हैं। अभी तो भारत में कोई क्वेश्चन है, जो ब्राह्मण कहते हैं, अभी तो भारत में कोई कला ही नहीं रही है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने जगाया है, अभी भी जग रहे कि नहीं? कुंभकर्ण की नींद में आप लोग सेवा करते हो ना, क्या लगता है? वो जगा रहे हैं बाबा? नहीं नहीं, आपकी बात नहीं है, दुनिया वालों की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तक सोए हुए हैं, कोई असर नहीं। इससे ज्यादा और घंटी कौन सी चाहिए होती है कुंभकर्ण को? तो बाबा कहते तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहाँ जाता है सत्यु को, नरक कहाँ जाता है कलयुग को? यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाप बच्चे भी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर कमाई की चट हो जाती है। अच्छे खासे बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, फिर बस हार खा लेते हैं। हार खाने का कारण क्या है? अगर हमने थोड़ा सा भी ब्राह्मण जीवन के डिसिप्लिन को थोड़ा लूज कर देते हैं, वहां हार खा लेते हैं। पढ़ाई अमृत वेला नहीं उठना या नहीं अच्छा लगना, ये हार खाना है। मुरली नहीं अच्छा लगना, हार खाना है। मुरली के समय घड़ी देखते रहे कब खत्म हो, ये हार खाना है। स्टडी नहीं करना, ये हार खाना है। ये हार खा लेते चलते चलते। जो स्टडी बहुत अच्छे से करेगा वो कभी मजाल है माया कुछ कर सके। इसलिए अगर हम जैसे सपोज हम पहले बहुत अलर्ट होके मुरली सुनते थे वीडियो ऑन करके, और आजकल ज्यादा नहीं कर पाते हैं या करते हैं जो भी है, तो समझो थोड़ा थोड़ा मेरा डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ रहा है। हम अपने आप को लूज न ले कि ठीक है ना, चलता है ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अपने ऊपर स्ट्रिक्ट विजिल, ये अपनी बचाव का कारण है। जैसे अभी क्या बोलते हैं, तुम अपना बचाव रखो, खुद ही हम प्रिकॉशन सब ले रहे हैं ना, दूसरा क्या करेगा। बाबा कहते हैं चलते चलते हार खा लेते, फिर की कमाई चट हो जाती।
कुछ भी हो मुरली मिस नहीं करो, उस दिन की मुरली मिस नहीं करो। चलो भाई, बाबा कई बार कहते बीमार है तो क्या करो, लेटे लेटे पढ़ो, लेटे लेटे सुनो। फर्स्ट मुरली बेस्ट है सुबह की मुरली करें, बहुत नहीं है तो चलो रिकॉर्डिंग सुन लो, वो एडिशनल। तो इतने ऑप्शंस है इसके, तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर की कमाई चट हो जाती है, फिर बड़े जोर से चोट लगती है। कौन सी चोट है? आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते। भल साक्षात्कार भी करते हैं परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ नहीं गड़बड़ कर देते हैं, यह भी ऐसे है। होता है ना रेडियो में, बाबा ने अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो साक्षात्कार में भी बहुत ट्यूनिंग पावरफुल चाहिए, नहीं तो बीच में कोई और आत्मा प्रवेश कर लिया और हमको लगेगा कि ये दिखाई दिया। इसलिए बाबा बहुत साकार में गो सुन कम सुन, और जो गुलजार दादी का बहुत जैसे बाबा ने कहा बस गीत की शुरुआत में गई, गीत पूरे होते होते वापस आ गई, इतना बाबा की आज्ञा पर चलती थी। क्योंकि वहां अट्रैक्शंस बहुत है सटल वर्ल्ड में, बाबा इसलिए कहते हैं। तो जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, यह भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग थैंक यू बाबा थैंक यू नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है थैंक यू बाबा शुक्रिया। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरा है काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। वरदान है मन मनाभव की स्थिति द्वारा, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ।
हर एक के मन के भाव को समझने से उसकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कितनी गहरी बात बाबा ने कहा। मन मनाभव जितना याद की स्थिति में होंगे, रूह की भाषा समझने के लिए रूह की स्थिति में होना जरूरी है, रूहानी स्थिति। तब हम रूह की भाषा, मन की भाषा क्या है, रूह की भाषा, भावना की भाषा। तो इसलिए बाबा ने कहा मन मनाभव, तब मन के भाव। एक्चुअली कोई रूठता है ना, मुझे नहीं चाहिए, शब्दों में तो ये होता है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन भावना क्या है उसकी, तुम मुझे लाके दो, ये होता है ना। अब हमारा भी अगर ईगो होएगा तो हम कहते हैं ठीक है नहीं चाहिए ना, मैं नहीं देती हूं। अब इसमें मन के भाव को जानना है, नहीं तो कह रहा है लेकिन इसकी इच्छा है कि चाहिए मुझे। तो ये समझ के उस आत्मा को संतुष्ट करना, बाकी तो फिर उस आत्मा का वैसे भाग्य है कि नहीं लेना चाहे वो अलग बात है। लेकिन फिर हमारा अगर क्रोध आ जाता है, ठीक है नहीं चाहिए मुझे नहीं करना है, ये मतलब मैं भी बॉडी कॉन्शियसनेस है हमारा, फिर हम कहेंगे तुमने ही तो मना किया था। तो ये इसमें, क्योंकि पता तो हमें भी है कि एक्चुअली उसे चाहिए होता है, बट वो ईगो होता है, ईगो ही होता है ना, हम नहीं देना चाहते, इसने ऐसा क्यों कहा। बाबा कहते मन मनावा, योग अच्छा लगने के लिए ना अपने ये ईगो को एकदम डिस्ट्रॉय करना होगा। योग कई बार उसके हित में भी तो नहीं होता, कई बार उसके हित में भी तो अच्छा है, हित में नहीं है जी। तो बाबा ये कह रहे हैं कितना क्लियर है। और बाबा ने इसके लिए 1970 के एक मुरली में बाबा ने कहा कि जितना शुभ चिंतन होता रहेगा, सब हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन और शुभ चिंतक वृत्ति ही मन मनाभव की स्थिति में स्थित हो सकेगी। शुभ चिंतक, कुछ भी देखो किसी के प्रति मेरे अंदर कहीं भी कोई एक कोना किसी के लिए ऐसा रहा हुआ तो नहीं है, ये ऐसा है। जो कल पिछले थर्सडे का था ना, क्या था वो संदेश, क्लीन हार्ट, रात को आज वही है, आज का व्यक्ति इशारा स्लोगन भी वही है। तो ये करना है मन मनाभव, तो आज का स्वमान रहेगा मैं सदैव मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो याद रहेगा हर आत्मा के मन के भाव को जानो, भाव व्हाट डू दे मीन, भावना व्हाट डू दे फील, भाव को जाना। तो मैं मन मनाभव मतलब अपने आप रूहानी की, रूहानी स्थिति की भी फीलिंग रहेगी और बाबा से कनेक्ट, उस आत्मा को मैं नहीं दे सकती, बाबा से कनेक्ट करके बाबा से दिलवा दो, स्लोगन है। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे, ठीक है ना। लास्ट टाइम का था वो इसका मोहिनी दीदी का संदेश था ना कि रात को पूरा खाली करके सो, एकदम पूरा, कुछ भी किसी के प्रति पूरे दिन में कुछ भी ना हो। आज का ये पुरुषार्थ भी ऐसा ही करेंगे हम।
कौन सा है, एकदम खाली करके सुना अपने आप को। तो आज का व्यक्ति इशारे देख लेते पहले। अव्यक्ति इशारे, शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूं नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। कितने डीप बाबा के महावाक्य चल रहे हैं। कर्म भोग भी, कर्म का कड़ा बंधन, मतलब ये वो स्थिति है जब आत्मा के ऊपर ऑलरेडी कर्म भोग आ चुका है, उस समय मैं साक्षी दृष्टा हूं। अपने शरीर से अलग की फीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का था ना स्वयं की अथॉरिटी, बाबा के स्वयं के संयम और नियम का। तो बाबा साकार, बाबा मोहिनी बहन बताती है कि भोजन भी कर रहे होते हैं ना, तो ये फीलिंग पता चलता था कि बाबा खिला रहे हैं, खा नहीं रहे। अपने देव स्वरूप को खिला रहे, रिस्पेक्ट और न्यारापन, ये बाबा की स्थिति थी। तो साक्षी दृष्टा न्यारापन, ये वाली फीलिंग है। ऐसा पुरुषार्थ करना है, सही लगन है। चलो फिर पुरुषार्थ करें।